अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम मिस ताहिरा मुश्ताक फ्रॉम एलाइड स्कूल फिरोजपुर रोड कैंपस। इट्स ट्यूसडे 12th of November। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव टू कंटिन्यू आवर सिलेबस थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर टूडेज टास्क इज चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8, एंड वी विल कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी 3 बेसिक फार्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज़ होने हैं वो अंडरस्टैंड करवाए थे। फर्स्ट वन वाज़ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, सेकंड वन वाज़ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, एंड द थर्ड वन वाज़ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स एंड देयर डिफरेंस। फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला विच इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। So let's move on. This is your chapter tag, where I have mentioned कि हमने कौन से questions करने हैं। Question number 1 है find the square of the following, जिसमें से part 1 है 2a plus 1। Let's see कि इसको किस तरह से solve करना है। Students, question number 1 में हम formula जो आपका first one है सम वाला वो यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से आपको फार्मूला की फर्स्ट साइड को पहले फॉलो करना है, जिसमें आपके पास दोनों टर्म्स का सम है और उसके ऊपर स्क्वायर है। दोनों टर्म्स में फ़र्स्ट कर लें कि आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 2a, जिसको आप एज ए कंसिडर करेंगे, और सेकेंड टर्म है बी, और बी की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 गिवन है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एज फर्स्ट स्टेप में दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर फाइंड आउट लिखना है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है 2a प्लस 1, होल स्क्वायर लगाना है। उसके बाद आपने राइट साइड फार्मूला की फॉलो करनी है, जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और आपके क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 2a, तो आपने ब्रैकेट लगा के कोफिशियंट और वेरिएबल दोनों पे स्क्वायर लगा देना। फिर उसके बाद फार्मूला में चेक करें, आपके पास एज अ कोफिशेंट एक 2 लिखा हुआ है, वो 2 लिखेंगे, देन आपने a और b दोनों की वैल्यूज़ लिखनी है 2a इंटू 1, और फिर प्लस b का स्क्वायर में यहाँ पर 1 है, 1 होल स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन टर्म्स को एवेलुएट कर देना है। लाइक फर्स्ट है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और a के ऊपर भी इसी तरह से आपने स्क्वायर लगा देना है 4a स्क्वायर। मिड टर्म में आपने क्या करना है, 2 2 ज़र 4, 4 को ए से मल्टी 4 को देन 1 से मल्टीप्लाई कर देना है 4, और उसके साथ ए आ जाएगा 4a, और लास्ट पे 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका आप जितनी टाइम भी मल्टीप्लिकेशन लें, उसका इंडेक्स लें, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर है 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 2 और पार्ट्स हैं, 3b प्लस 2c एंड 2b स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने ये सेकंड 2 पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, जिसमें पार्ट 1 है 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर। सो हम इनको सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस, इसमें क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला में फॉर्मूला की राइट साइड की सीक्वेंस गिवन है, जिसमें ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर होता है, और आपने आंसर में इसको लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। लाइक आप क्या करेंगे, 9p स्क्वायर यहाँ पर एज ए स्क्वायर है, 12pq यहाँ पर 2ab के तौर पर है, और 4q स्क्वायर बी स्क्वायर के तौर पर है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, और उसके साथ आप पी लिखेंगे। दोनों टर्म्स का आपने स्क्वायर लिखना है, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के एक बाहर स्क्वायर लगा देना, यानी होल स्क्वायर। उसके बाद आपने प्लस लिखना है, मिड में कोफिशेंट होता है 2, वो लिखना है आपने फार्मूला में से जो गिवन है, और उसके बाद आपने दरमियान में ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है 3p। दूसरी वैल्यू आप तब फाइंड आउट करेंगे जब आप ऊपर 4 का स्क्वायर निकालेंगे, जो लास्ट पे लिखा हुआ है ना 4q स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2q होल स्क्वायर, और यही 2q यहाँ से उठा के अपने दरमियान में पुट कर देना है। और जब लास्ट पे आएंगे, फार्मूला क्लोज कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या करना है, आपने
राइट साइड पे, फॉर्मूला के राइट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी मिडल टर्म नहीं है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से ए की वैल्यू पिक करनी है यहाँ से अपने सॉल्यूशन में से 3b, और इसी तरह से आपने प्लस मिड में लगाना है, और बी की वैल्यू क्या गिवन है 2q, और उसका आपने फिर होल स्क्वायर लगा देना, यानी फॉर्मूला की सिक्वेंस को फॉलो कर देना। तो ये इस तरह इसका आंसर आएगा 3p प्लस 2q होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के भी बेटा 5 पार्ट्स हैं, पार्ट 2, 3, 4 और 5 को आपने फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फार्मूला। इसी आपने चेक कर लेना कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, सम का या डिफरेंस का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका सिर्फ हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लें अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपने सेकेंड अगर चाहें तो रॉक पे सॉल्व करें, लेकिन सिर्फ इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट है एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला 16a² प्लस 24ab प्लस 9b². अच्छा, इसमें करना क्या है बेटा, जो भी वेरिएबल्स है ना a और b, उनकी वैल्यूज आपको गिवन है। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अपना फार्मूला जो आपको 3 टर्म्स में दिया हुआ है उसको आपने क्लोज करना है, उसको जो है एज अ होल स्क्वायर उसको पहले करना है, कन्वर्ट करना है। देन आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें आपने ए और बी की जगह जो आपको उनकी वैल्यूज़ गिवन है, ए की 4 और बी की 3, वो पुट करके तो आपने इसको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखें सबसे पहले क्या है, 16a², 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a² प्लस दरमियान में मिडल टर्म 24ab किस तरह से आ रहा है, ठीक है, वो आपने फार्मूला में से एक 2 पिक करना है, ए की वैल्यू यहाँ पर 4a है वो पिक करना है, राइट साइड में 9b किसका स्क्वायर है, 3b का, तो ये 3b² आ जाएगा होल स्क्वायर, और 3b मिड में भी आ जाएगा। तो अब क्या करना है, आपने मिडल वैल्यू को इग्नोर करना है और a एंड b की वैल्यू पिक करनी है, 4a प्लस 3b होल स्क्वायर। उसके बाद हमने सिर्फ इतना नहीं करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने ए और बी की वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है, वेरिएबल्स को फिनिश करना है। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, उसके बाद 4 के साथ ए लिखा हुआ है तो ए की जगह हमने जो उसकी वैल्यू गिवन है वो लिख देनी है 4। इसी तरह 3 के साथ जो वेरिएबल है वो बी है और बी की वैल्यू हमें गिवन है 3। अच्छा, इस तरह से लिखने के बाद, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 होल स्क्वायर आ गया, 16 प्लस 9 बेटा आंसर होता है 25, और 25 का फिर आपने एज अ स्क्वायर जब इसको लिखना है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बट सिर्फ हमने क्या करना है, ओनली फर्स्ट पार्ट करना है और सेकंड को स्किप करना है। अगर आप अपने प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप बीच ग्राफ पर उसको करेंगे, और अपने ये सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 5 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1, ये आपने अपनी नोटबुक पे भी सॉल्व करना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, ये आपकी डायरी है। और आपको अगर सॉल्यूशन में किसी किस्म का भी कोई इशू हो रहा है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके PDF जो है असेसमेंट 2 का शेयर किया गया है, उसमें सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।